तो ये देखिए चारों बच्चे सोने के लिए बैठे हैं। इनको कूलर की ऊपर की जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और ये यहीं पर सोते हैं। ये देखिए ये ब्लैंकेट के ऊपर, अब ये थोड़ी सी जगी हुई है। ये गहरी नींद में है, ये देखिए, और एक उधर सोई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज है संडे और मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे गार्डन के अपडेट देने वाली हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर देखिए कई लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं बिल्ली के बच्चों को दिखाऊँ, तो ये देखिए जो सेकेंड ट्रिप वाले बच्चे हैं, जो दूसरी बार मदर कैट ने बच्चे दिए हैं, ये वो बच्चे हैं। इतने ज़्यादा सुंदर, पर ये जो बच्चे हैं इसमें से तीन बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, सिर्फ ये बच्चा बस थोड़ा सा हेल्दी है। इसको देखिए आप, ये देखिए कैंडी दर, देखो ये देखिए। और हमारे बच्चों ने इनके नाम भी रखे हैं, ये देखिए इसका नाम बूट्स रखा है उन्होंने, और ये सोफी है। इसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, इसको कल हम हॉस्पिटल लगे, मतलब तीन बच्चों को हम हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं और कल इसको तीन इंजेक्शन लगे हैं। ये थोड़ा सा बहुत, इसके पेट से एक मतलब बड़ा सा कीड़ा भी निकला था, तो हमको इनको रखना तो नहीं है। और ये देखिए इनकी मदर है, ये इनको ले जाना चाहती है लेकिन उसकी तबीयत अभी थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए हम भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि बाहर ये पीछे खंडार में छोड़ देगी और बच्चे भूखे प्यासे वहाँ पर पड़े रहते हैं, फिर ये उनको दूध पिलाने भी नहीं जाती है। तो ये देखिए ये बच्चा बहुत ही नाजुक है, ये वाला भी, ये शुरू से ही नाजुक था। ये पाँच दिन के लिए पहले भी अकेला छूट गया था, जब ये दूसरी जगह से मतलब इधर से उधर शिफ्ट करती है ना तो अपना एक बच्चा ये ज़रूर छोड़ देती है कहीं ना कहीं। वो चार पाँच दिन बाद फिर हमारे ढूंढने से मिलता है और तीन चार दिन तक वैसे ही भूखा पड़ा रहता है जहाँ पर भी रहता है। तो इस तरह से इसके बच्चे बहुत ही वीक हो रहे हैं और ये कुछ बताने की कोशिश कर रही, देखिए। तो इधर देखिए सारी शिफ्टिंग है, ये मतलब जो की है मैंने, और इधर सकुलेंट उठा करके रख दिए थे, कल आपको दिखाया भी था मैंने। इधर सारे एग्लोनी मैं यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ पीछे पॉट्स वगैरह के लिए जगह मैंने छोड़ दी है। और ये देखिए अंदर घुस घुस कर ऐसी बदमाशी करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा मिट्टी और कचरा यही फैलाते हैं मेरे गार्डन में। तो लगभग वन वीक से हमने इनको रखा हुआ है, क्योंकि बीच में ही फिर से ले गई थी और चार पाँच दिन उनको खाना पानी नहीं मिला, इसी वजह से फिर से बीमार हो गए। नहीं तो पहले भी हमने इनका ट्रीटमेंट कराया था और उसके बाद ये इस तरह से इनकी हालत हो जाती है। तो जब उनको खाना पानी मतलब दूध ही नहीं मिलता पीने के लिए, और बाहर का दूध देने से इनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर एडेनियम है आपके पास और लगातार बारिश हो रही है आपके यहाँ, तो आप शेड का ज़रूर इंतज़ाम कीजिए, पॉलीथीन से भी आप कवर कर सकते हैं। मैं भी पॉलीथीन से कवर कर देती थी कभी कभी, लेकिन अभी जो ऊपर के प्लांट है मेरे सारे ओपन में ही हैं, और मैं बारिश का पानी भी इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अभी जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी ना, वो पत्तियों का पीला होना है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो उस वजह से पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। ये देखिए पूरे में कलियाँ गलियाँ आ गई सब में, और इधर देखिए इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, इसमें भी देखिए कलियाँ आ चुकी हैं, और मुझे लगता है ये रेड कलर है ट्रिपल लेयर, हाँ, और ये पर्पल, कल का पानी भरा हुआ है, मतलब आज सुबह तक अभी तक बारिश हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है। और यहाँ पर देखिए सारे इंडोर प्लांट है, मतलब सकुलेंट और एग्लोनिमा मैंने शिफ्ट किया हुआ है, नीचे कुछ प्लांट है, कुछ सकुलेंट ही है। तो इस तरह से सीडलिंग पूरी मेरी बारिश में ख़राब हो गई थी, अगर आप इस समय सीडलिंग करते हैं ना तो उसको बारिश से बचा के रखिएगा। पूरे इसमें बारिश का जो है मतलब जहाँ से एक जगह से इकट्ठा पानी गिरता है ना, वैसा पानी गिर कर पूरी सीडलिंग मेरी निकल गई थी बाहर। मैंने सबको कोकोपीट बिछा करके फिर से इनको सीधा सीधा लगा दिया है, देखते हैं सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। और ये इसका भी था ट्रे का, इसका भी ऐसी हाल हो गया था, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा था तो मुझे सबको थर्ड फ्लोर पर रखना पड़ गया था। और फिर शाम को बारिश भी स्टार्ट हो गई, फिर ध्यान नहीं रहा और इतना ज़्यादा काम फैला था कि कर नहीं पाई मैं, तो उसी वजह से ये कुछ रूट स्टॉक बचा के रखे थे, फिर भी इससे इतने बचे, बाकी सब गीले हो गए हैं फिर से, तो जब सूख जाएंगे तब उन पर ग्राफ्टिंग करूँगी फिर। तो ये देखिए यहाँ से धूप काफ़ी तेज़ निकल गई है, सुबह जबकि बारिश हो रही थी। और अभी देखिए पर्सलैन ब्लूम हो गए हैं इधर पोर्चला का, इनको अब टाइम टाइम पे इनकी ट्रिमिंग थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे, इनके डेड हेडिंग करते जाएंगे तो बहुत अच्छे फूल इनमें आते हैं, और थोड़ा सा फर्टिलाइजर बीच बीच में देते जाएंगे। इधर सारी सीडलिंग है जिसमें बहुत सारी वीड्स ग्रो हुई है जो मुझे निकालनी है, थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाई मैं। और यहाँ पर देखिए सारे लोटस हैं, और
इधर दिखाऊं तो ये देखिए टिकोमा, कल पर्पल कलर का फ्लावर एक खिला था यहाँ पर, इसमें देखिए मिलीबग का थोड़ा सा अटैक है ऊपर के ब्रांच में। ये एक फूल खिला हुआ था, कल खिला था, आज तो नहीं खिला है। और ये साड़ी मुझे हटानी है यहाँ से। अब ये देखिए पिंटास में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और इधर सारे हिबिस्कस है ना जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है। ये कनेर का देखिए इधर अलमंडा में फूल आ रहे हैं। और ये जट्रोफा है, इधर देखिए सदाबहार खिल रहा है। ये रोज़ है, बटन रोज है। और इधर सारे अडेनियम है जो सेलिंग के लिए हैं। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर किसी को चाहिए होंगे तो। कुछ बस इतने ही प्लांट मेरे पास बचे हैं, बाकी के तो सेल हो चुके हैं। दो ऑर्डर भी हैं तो उनको भी, दो तीन ऑर्डर हैं अभी मेरे पास तो उनको कन्फर्म कर लूँगी। ज़्यादा नहीं है लेकिन कैटलॉग भेज दूँगी जो भी प्लांट है मेरे पास, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर चाहिए होंगे तो। और इधर देखिए सारे इंडोर प्लांट हैं सारे मतलब, और इस तरह से हमारा गार्डन। तो इधर सारा लोटस का एरिया है जो कि बारिश की वजह से इसके सारे फूल लगभग गिर चुके हैं और थोड़ा पुराने भी हो गए थे। नया फूल देखिए आज ये खिला हुआ है। और जो पिंक वाला था ये भी देखिए निकल के बाहर हो गए थे। इन सब की मुझे थोड़ी सी डेड हेडिंग करनी, सबके जो कट फ्लावर मतलब फ्लावर कट करके हटाने हैं। इधर सारा अडेनियम है, आज देखिए वाइट अडेनियम भी ब्लूम हो गया आज। और एक बार खिल करके इसने सीड भी बनाए थे, इसके सीड मैंने ग्रो किए हैं। और देखिए इनमें कलियाँ आनी शुरू हो गई इन अडेनियम में। इनमें देखिए अभी मैंने दिया है फर्टिलाइजर, देखते हैं कब तक मेरे रिजल्ट मिलता है। अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है फर्टिलाइजर दिए हुए, तो इसमें देखिए कलियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। और इसमें भी तो थोड़ी थोड़ी कलियाँ आएंगी, एकदम गर्मी की तरह फूल नहीं खिलेगा क्योंकि बारिश की वजह से दूसरे दिन ही कलियाँ और फूल ख़राब हो जाते हैं, तो ज़्यादा टिक नहीं पाता। ज़्यादा बारिश और ज़्यादा धूप जब होती है ना तो फिर कलियाँ जल करके बिना खिले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो उस कंडीशन पर ऐसी ही फ्लावरिंग होगी, पर फिर भी ठीक हो रही है। लोटस की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल करके आई थी। और अभी देखिए नई नई बर्ड्स बन रही हैं और इनमें कम से कम इसमें 10-15 से 20 फ्लावर खिल चुके हैं पहले। और अभी और भी कलियाँ काफ़ी सारी आई हुई हैं। तो अभी तो मैंने फर्टिलाइजर इसमें कोई नहीं दिया है कुछ भी, देखते हैं क्या फर्टिलाइजर देंगे। इधर देखिए हमारा जो एक जोड़ा का प्लांट है वो भी काफ़ी अच्छा सा हो गया है और बहुत ही सुंदर। देखिए जो नई नई पत्तियाँ आ रही हैं सारी ग्रीन आ रही हैं। इसमें फर्टिलाइजर मैंने दिया था गोबर की खाद, सिर्फ गोबर की खाद दी थी और कुछ नहीं दिया है। और ये हमारा नागचंपा का प्लांट है जो काफ़ी अच्छा ब्लूम हो रहा है। और एक हमेलिया का प्लांट भी लगा हुआ, देखिए इधर कैनल लिली है, बहुत सारे प्लांट है, प्लांट की तो भरमार है, पता नहीं क्या क्या लगा के रखा मैंने। और ये देखिए कचनार का प्लांट है। थोड़ी सी सीडलिंग की अपडेट दे दूँ, बेड सीट के नीचे था कल, यहाँ पे जो मैंने सीडलिंग ट्रे रखी हुई थी मेरी सारी सीडलिंग लगभग डिस्टर्ब हो गई बाहर निकल निकल के सब, क्योंकि जो ये पॉलीथीन से पानी गिरता था ना सीधा ट्रे के ऊपर गिरता था। तो जो मेरी रेड वाले की हाइब्रिड सीडलिंग थी वही सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इधर देखिए सारी रिपोर्टिंग की है मैंने। और इधर भी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल करके आ रही है, मतलब बारिश का पानी भी इनको मिल रहा है, धूप भी मिल रही है। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मैंने इनको संभाल के ऐसा रखा नहीं है, जहाँ पे काफ़ी तेज धूप भी आती है वहीं पे रखा हुआ है। और फिर भी मैंने यहाँ पे बेड शीट ये लगा दी है ताकि छाया रहे। तो कल बारिश हो रही थी तो कल मैंने निकाल दिया था क्योंकि इनको पानी की भी ज़रूरत थी, तो इस वजह से। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से बांध दूँगी ताकि धूप ना जाए वहाँ पर। तो जो बड़े अडेनियम हैं उनमें भी देखिए कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और ये फर्टिलाइजर देने से ही जल्दी कलियाँ आती हैं, तो आपको टाइम टाइम थोड़ा सा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा प्लांट में। और ये देखिए इधर बोगनवेलिया है जिसकी मैंने सबकी पिंचिंग कर दी है ऊपर ऊपर की टिप, क्योंकि काफ़ी लंबे जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग मत करिए लेकिन इसकी टिप को पिंच कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो प्लांट है ना घना होगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, और घना ज़्यादा होगा। तो ये देखिए चांदनी में कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, डबल चांदनी है, बहुत सुंदर इसके फूल खिलते हैं। और ये सारे रोजेस हैं, सबके डेड हेडिंग मतलब प्रूनिंग करनी है ऊपर से मुझे। ये सारी सीडलिंग है, मुझे सीडलिंग को थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा, कल मेरी दो हाइब्रिड सीडलिंग ख़राब हो गई, पूरा गल गई एकदम से, तो इनको कवर करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये बारिश ज़्यादा पड़ेगी और इतना तेज़ धूप पड़ रही है कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद उसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। इनमें देखिए वीड्स बहुत सारी ग्रो हुई, एक अलमंडा की कटिंग लगाई थी, देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। और हाँ एलम क्या हो गया बच्चा, ये देखिए यहाँ पर आके बैठी, सबसे ज़्यादा नाजुक यही बच्चा है, ये देखिए इनको देखकर इतनी दया आती है, इनको छोड़ने का मन भी नहीं करता क्योंकि बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, बाहर रहते हैं तो। और हमारे घर में कम से कम इनको खाना पानी टाइम से मिल जाता है, माँ को भी हम कहीं भी रहती है ना तो उसको ढूंढ कर पकड़ के ले आते हैं, पर ये अपनी मर्जी से जहाँ रखती है ना वहाँ पर ये खुद जाती नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा करती, समझ नहीं आता। और जल्दी जल्दी बच्चे भी हो गए, मतलब अभी खुद ही बच्ची थी वो, शायद इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा कैसे पालना है बच्चों को।
अगले संडे तक थोड़ा सा गार्डन को जमा लूंगी, इंडोर प्लांट एक साइड, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है उनको एक साइड पे कर दूंगी, सबको अडेनियम सारा एक साइड पे कर दूंगी, ताकि ऐसे बिखरा हुआ गार्डन ना रहे। टाइम नहीं मिला और काम बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं कर नहीं पाई, थोड़ा सा काफ़ी टाइम से मतलब अरेंज नहीं कर पा रही उतना अच्छा गार्डन को, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। आज तो बिल्कुल भी सफाई भी नहीं कर पाई, क्लीनिंग भी नहीं कर पाई यहाँ की। तो ये देखिए इस तरह से हमारा गार्डन दिख रहा है, जो कि ग्रीनरी अच्छी है, फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन हाँ बारिश में थोड़े से फूल कम हो जाते हैं। आप लोगों के भी कम हुए होंगे फूल, ऐसा नहीं है क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा होता है। अभी एकदम गर्मी के बाद तुरंत फ्लावरिंग होना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे होती है, थोड़ी सी टाइम लगता है थोड़ा सा इनको ग्रोथ करने में और कलियाँ बनाने में। तो जैसे ही इनमें ग्रोथ होगी और अच्छी कलियाँ बनेंगी तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई सभी में, तो मैं इनको अभी थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक पोटाश दूंगी, जो कि मैंने अभी फ्लावरिंग क्लीन में कुछ भी नहीं डाला है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और देखिए बटरफ्लाई देख करके कितना अट्रैक्ट हो रही है यहाँ से।